अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। अभी जो है मैं खाना बना के फ्री हुई थी, शाम का टाइम था, बल्कि आज सॉरी मैंने ना तो अभी मैं बैठी स्मूदी वगैरह पी रही थी और ना नमाज़ पढ़ने नमाज का वेट कर रही थी मगरिब का, तो मेरे हस्बैंड की कॉल आई कि जल्दी से जल्दी हो जाओ, उन्होंने कस्टमर के लिए एप्पल स्टोर से एक फ़ोन पिक करना है और साथ उन्होंने कहा कि यहाँ से ना एक अच्छा पिज्ज़ा है, मतलब पापा जॉन्स के अलावा वहाँ खाने चलते हैं, क्योंकि दोपहर में तो हमने खाना खा लिया था, अभी कह रहे थे कि मेरा दिल नहीं कर रहा दोबारा वही खाना खाने को। सो इसलिए मैं जल्द से क्विकली रेडी हो गई हूँ, तो अभी हम जा रहे हैं और पहले हम एप्पल स्टोर जाएंगे, उसके बाद देखते कहाँ जाते हैं। आज से मेरा दिन बहुत ही ज़्यादा बोर गुजरा, बहुत ही ज़्यादा, तन क्यों आज मुझे इतनी बोरियत हुई है। खैर, तो ये जो शर्ट मैंने पहनी हुई है ये मैंने H&M से अभी ऑर्डर की थी, तो इसी साल के स्टॉक में से ली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो उसका स्टॉक बहुत अच्छा लगा मुझे, और इस समर में तो बहुत, मतलब अमेरिका की जो समर है ना वो इतनी चुभने वाली नहीं होती, तो यहाँ के लिए बहुत अच्छा सिल्क सा, सॉफ्ट सिल्क सा स्टफ है। अभी भी मैं किचन में खड़ी हूँ, तो बस फिर हम निकलते हैं थोड़ी देर में। और मैंने वो जो पैकेजेस सारे ओपन किए थे उसका जो ये भी है, ये भी कबाड़ निकल बाहर निकल जाना है, ये भी फेंकना है, इसको भी साइड में रखना है, अभी ये भी हमने खुद करना है। यहाँ पर अमेरिका में हॉस्पिटलिटी नहीं होती, आपको सब काम सब कुछ खुद करना पड़ता है, मतलब वर्कर्स यहाँ पे टू मच एक्सपेंसिव है। अगर आप मेड वगैरह हायर करें या फिर डे केयर के लिए, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, सो इसलिए फिर हमें सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो ये आज बाहर का व्यू, आज इतनी गर्मी नहीं है शुक्र, आज बहुत लाइट धूप है। हमने अपनी लॉन्च की सेटिंग जो है वो चेंज करा ली है, हमने टीवी उस साइड पे करवा लिया है, क्योंकि वहाँ पे हम एक तो बहुत नीचे था, फिर इस तरह हमारा ना सारा ये बहुत तंग तंग सा कंजस्टेड सा लग रहा था, तो इसलिए हमने टीवी जो है वो वहाँ पे रख लिया। वैसे भी उसकी जगह वहीं भी थी चिमनी के ऊपर, और सोफ़ा की सेटिंग यहाँ करती, अब काफ़ी खुला और स्पेस लग रही है काफ़ी, तो अब मुझे ज़्यादा सेटिंग अच्छी लग रही है। तो अभी हम जा रहे हैं, कौन सा ज्यादा अच्छा है मुझे बता। ये कौन सा हॉल फूड? अच्छा, हमने वहाँ कब जाना था? होम डिकोर, होम डिकोर, क्या चीज के लिए? ऑरेंज शेर, ये क्या है? ब्रेक, ओ उसके लिए, किसके लिए? फिटनेस है ये? ये वाली ज्वाइन करने का कह रहे हैं, ये अच्छी है। हमने मतलब सोचते ही रहना है, लेकिन ज्वाइन कोई नहीं करने बताएं। चलें, हम बस पिज्ज़ा खाने के लिए आए, इसलिए नहीं आए। चलें ब्लेज जाते हैं। The red sauce dollars. You still want red peppers? Yes. और ये कौन सी है जो दूसरी है? जलापेनो से वो कौन सी है? ब्लड ऑरेंज लेमोनेड। सो अभी हमने ऑर्डर किया वेजी पिज़्ज़ा, आप देखते हैं, हमने मम्मी से करवाया इससे रेडी, तो देखते हैं कैसा बनता है। ये ब्लड ऑरेंज लेमोनेड है, और ये मैंने जो है जिंजर वाले किया, जो मैंने हम घर पे पीते हैं, वो और फ्लेवर है ये, वो तो बहुत अच्छा लगा मुझे जिंजर वाले, और ये डिफरेंट है, ट्राई करते हैं कैसे। मेरा मूड अच्छा हुआ क्योंकि मैं घर पर बैठ के बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। सो शुक्र है, कोई थी प्लान, जो सडन प्लान होते हैं हमेशा अच्छे होते हैं, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी, मुझे नहीं पता था कि आज हम जाएंगे, क्योंकि मेरा भी मूड नहीं था, मैं बहुत बोर भी हो रही थी, लेकिन मैं थकी भी हुई थी, और मेरे हस्बैंड जो है वो भी खुद बहुत टायर्ड थे, क्योंकि वो रात को हम 3 बजे सोए थे, इसलिए क्योंकि रात को जो है वर्कर से मिलता था, फिर काम चला था, हमने अपनी TV लॉन्च की सेटिंग चेंज कराई है, तो वो तकरीबन 2:30 बजे गई थी आगे। तो ये हमारा पिज्ज़ा आ चुका है, अब हम इसको खाएँगे जो हमने अपनी मर्ज़ी से। कैसा है?
पापा जो हमसे ज़्यादा अच्छा है, हाँ मेरा ख्याल है, हमने अपनी मर्जी से रेडी करवाया। मज़े क्या है, बहुत गर्म है अभी। ड्रिंक भी अच्छी है। यहाँ पे एक और ग्रोसरी स्टोर है देसी, वहाँ पे आए हैं सही सुपर बाजार। चल देखते हैं, आज फर्स्ट टाइम आए, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलते हैं। अच्छी यहाँ पे दही वाले का हमने सोचा था घर में दही वाले खाने हैं, उसके लिए तो अभी हमें यहाँ पे ये चीज़ें ली थी दही वाले की और अचार वगैरह, वो स्पाइसी और मज़े की चीज़ें बनी हुई हैं थोड़ा, फिर हम ट्राई करके देखते हैं। नहीं ये चार तो हैं हमारे पास सारे ऑलरेडी। ये क्या है, चना दला पिकल, दला व्हाट इज दला। अभी हम वापस आ चुके हैं और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सनसेट होने वाला है और जब सनसेट होता है तो बहुत अच्छा मौसम होता है। अभी जो है मैंने सामान निकाल कर अभी हम चलते हैं वापस घर में, ग्रोसरी दोबारा सेट करते हैं। यस सब उठा के आज सब कुछ नहीं मैंने उठा के अपने पास रखी है जी, वो ही तो मैं कह रही हूँ आज दूसरे लगवाए ना आप करवाएंगे तो फिर कुछ होगा। ये पकड़ना एक सेकंड, हैवी है आप ही पकड़ लें। चले बस ये मैंने इधर रख दिया, ये सब सेट करें और वो सारा गार्बेज जो है ना कि फेंक दें, ये गार्बेज है हाँ वो भी गार्बेज है, सब कुछ फेंक करें। दिस वन आल्सो, ये भी ले जाए। तो यार अभी जो है मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे ब्लॉग पे नई वीडियो में नेक्स्ट डे। और अभी जो है मैंने थोड़े से है मेरे नमाज का टाइम होने लगा मगरिब का, शुक्र है मगरिब से पहले पहले आ गया। अच्छा ये रूम लॉक है, रूम ओपन कर दे। तो अभी जो है बस शाम होने लगी, मगरिब का टाइम होने लगा, मगरिब पढ़ूंगी फिर इसके बाद जो है कुछ बर्तन रह गए हैं तो वॉश करने वाले वो करूंगी। ये जो है मैंने जो बनाया था बच के साजन मटन कोफ्ता, ये फ्रिज में रखूंगी बचा हुआ, और बाकी ये तो वॉश करने वाले हैं, बाकी सब कुछ वॉश हो गया, डिश वॉशर में अभी तक वॉश हो रहे हैं, मैं चेक करती हूँ। या ये अभी वॉश भी होंगे इसके बाद ड्राई होंगे, अभी इनको टाइम है। बाकी शुक्र ऑल क्लीन घर की जो है, मैंने थोड़ी सी यहाँ पे भी मॉप लगाना है, यहाँ पे क्लीनिंग होने वाली, बल्कि वैक्यूम करती हूँ क्योंकि थोड़े से जो है वो राइस में से गिर गए थे तो वहाँ पे भी वैक्यूम करते हैं। देखिए मैंने सारा बेडरूम अपना क्लीन किया हुआ। हेलो जी, ओके जी, अब जो है कुछ देर तक हम मिलते हैं, वजू कर लूँ नमाज़ पढ़ लूँ फिर उसके बाद मिलते हैं। जो मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब जो है मेरे वॉशरूम की थोड़ी क्लीनिंग करनी है, ये देखिए टॉवल वगैरह ये सब कुछ सेट करना है, थोड़ी वॉशरूम की क्लीनिंग करूँगी और नमाज का टाइम होने वाला है इसलिए मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। बस जो मैंने अभी तक घर की जितनी सेट की है वो मैं साथ साथ कवर कर रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ, बाकी जो फुल का होम टूर है वो इंशाल्लाह मैं जल्दी दिखाऊंगी। और काफ़ी लोग कह रहे थे आप अपनी स्किन केयर के बारे में और हमें मेकअप का ज़रूर रिव्यू दीजिएगा जो आपने लिया, तो मैं उसका भी बहुत जल्दी रिव्यू लूँ, उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा वाला टाइम फ्री टाइम चाहिए क्योंकि वो आपको डिटेल से बताना होगा, वो स्पेशली अगर आपको भी प्राइस और उसके एक एक डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको फुली डिटेल से, फिर इसलिए मुझे डिटेल में थोड़ा वेट करना होगा। तो फिर यहीं पे ब्लॉग एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में नेक्स्ट डे। ओके फिर इंशाल्लाह, फिर अल्लाह हाफिज़।